हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास अगेन। आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो लेट अस बिगिन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे रोमन न्यूमरल्स से पहले अपने रीजनल नंबर। क्या आपको पता है रीजनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी है, जैसे आप अपने स्कूल्स में लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही देखिए, हिंदी में नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे रीजनल नंबर। ठीक है, नाउ रोमन्स यूज्ड रोमन न्यूमरल्स टू राइट नंबर्स। जो रोमन्स थे, रोमन लोग थे, वो नंबर्स को लिखने के लिए रोमन न्यूमरल का इस्तेमाल करते थे, जो हम आज करने वाले हैं। अब वो इन रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए, देयर आर 7 सिंबल्स इन विच रोमन न्यूमरल्स आर रिटन। इन रोमन न्यूमरल्स को, यानी कि इन रोमन नंबरों को लिखने के लिए वो 7 तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं 7 सिंबल्स को इस्तेमाल करके वो 1000 तक, उसके आगे तक काउंटिंग लिखते थे। वो 7 सिंबल कौन से है? IVXLCDM। ठीक है, ये वो 7 सिंबल है जिनका इस्तेमाल वो करते थे रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। नाउ ये सिंबल रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हर सिंबल एक अलग नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई जो है वो 1 को शो करता है, ठीक है, वी जो है वो 5 को शो करता है, एक्स 10 को शो करता है, एल 50 को शो करता है, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो इन्हीं को अलग अलग तरह से अलग अलग बार रिपीट करके 1000 तक काउंटिंग कंप्लीट की जाती है, सिर्फ इन्हीं 7 सिंबल्स की हेल्प से। ठीक है, देयर इज नो 0 इन रोमन न्यूमरल। रोमन नंबर्स में 0 कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, काउंटिंग शुरू ही इनकी 1 से होती है, यानी आई से होती है। 0 नहीं आता है, ना तो 0 के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स में नंबर लिखने के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल, तो देर आर टोटल 4 रूल्स, 4 तरह के रूल है रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। तो रूल नंबर 1 है IXC कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स। IX और सी का इस्तेमाल आप 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको 3 बार ही लगातार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, 10 को हम लिखते हैं एक्स, 20 को हम लिखते हैं 2 बार एक्स, 30 को हम लिखते हैं 3 बार एक्स, लेकिन 40 को हम 4 बार एक्स नहीं लिखते, बल्कि एक्स के साथ एल लिखते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि आई, एक्स और सी, इन तीनों का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार एक साथ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इनका। ठीक है, ऐसे ही 1 को हम आई लिखते हैं, 2 के लिए हम 2 बार आई लिखते हैं, 3 के बाद हम 3 बार आई लिखते हैं, और 4 के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, 1 और वी लिखते, आई और वी लिखते हैं। ऐसे ही 100 के लिए, 100 के लिए सी, 200 के लिए डबल सी, 300 के लिए ट्रिपल सी, लेकिन 400 के लिए हम कभी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं 4 बार सी लिखने का, हम उसकी जगह पे लिख देते हैं सी और डी। ठीक है, अब नेक्स्ट है VLD के नॉट बी रिपीटेड फॉर मोर देन वंस। और जो हमारे सिंबल बचते हैं V, L और D, इनका इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही बार करते हैं, इनका इस्तेमाल एक बार से ज्यादा कहीं पर भी नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 2, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ अ न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज एडेड टू द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब है कि कोई छोटा न्यूमरल अगर बड़े न्यूमरल के राइट साइड पे लिखा होता है, तो हम उसको बड़े न्यूमरल में ऐड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे क्या लिखा है, वी और आई। ठीक है, वी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब होता है 1, तो 5+1 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है 6। ठीक है, तो यही हमें करना है कि अगर कोई बड़ा नंबर पहले लिखा है, मतलब रोमन न्यूमरल्स में कोई बड़ा न्यूमरल पहले लिखा है, और उसके इस साइड पे अगर कोई छोटा न्यूमरल है, तो हमेशा हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं कि वो कितना है। ठीक है, अब जैसे ये है, x का मतलब 10 होता है और उसके इस साइड पे 5 है, तो 5 का मतलब, v का मतलब 5 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, हमें पहले देखना है इस, ये बड़ा नंबर है, बड़ा न्यूमरल है, और इसके साइड में जो छोटा न्यूमरल है उसको हमें ऐड करना है। L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, तो ये हो गया 60। सेम है यार, X का मतलब 10, I का मतलब 1, इस I का मतलब फिर से 1, तो इट विल बी 12। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है रूल नंबर 2 में, कि
किसी बड़े न्यूमरल के इस साइड पे यानी राइट साइड पे कोई छोटा न्यूमरल हो तो हमें उन दोनों को ऐड करके अगला जो भी न्यूमरल है उसको हमें ऐड कर देना है उसमें। तो इन दोनों को ऐड करके बन गया ये 6, ये बन गया 15, ये बन गया 60, ये बन गया 12, ठीक है। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। अगर कोई छोटा नंबर जो है वो किसी भी बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड पे लिखा है तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल है, वी हमारा बड़ा नंबर है और उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला तो हमने ऐड किया था और लेफ्ट साइड वाले को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वी हमारा क्या है, 5, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे कितना लिखा है, आई यानी कि 1, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 4, यानी कि ये जो लिखा है ये न्यूमरल कितना है, ये है 4। से हम इसमें भी करेंगे, एल लिखा है, एल का मतलब होता है 50, एक्स और एल में से तो एल ही बड़ा होगा तो 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साइड में लेफ्ट साइड में कितना लिखा है, 10, एक्स का मतलब 10 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है सी, और एक्स और सी में से सी बड़ा होता है, सी का मतलब होता है 100, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके लेफ्ट साइड वाला 10 तो ये हो गया हमारा 90, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड पे कोई छोटा नंबर लिखा है तो उसको हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करके फिर लिखना है कि वो कितना नंबर है, कितना न्यूमरल है। और हमारा रूल नंबर 4 है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर प्लेस्ड बिटवीन टू नंबर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग इट। मतलब क्या है कि अगर कोई छोटा नंबर दो बड़े नंबर के बीच में लिखा है तो हमें क्या करना है, हमें उसके अगले वाले नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एक्स, वन और वी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक छोटा नंबर है जो दो बड़े नंबर के बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसके बाद वाले नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले नंबर को हमें कुछ नहीं करना, पहले वाला नंबर हमारा सेम रहेगा, हमें उसके बाद वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 जो है वो 10 ही रहेगा, ठीक है, प्लस में हमें 5 को, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 5 सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 सब्ट्रैक्ट 1 कितना हो गया, ये 4, तो 10 प्लस 4 ये बन गया 14, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि देखिए अब यहाँ पे है x भी है, ये भी x है, 1 है और x है, तो यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में छोटा कौन सा है, आई है, ठीक है, और आई जो है वो किसके पहले आ रहा है, एक्स के, तो इसका मतलब हम एक्स का मतलब होता है 10, तो 10 में से 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा 9, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो ये हो गया 9, तो कितना हो गया हमारा 10 20 और 9 29, ठीक है। ऐसे ये वाला देखेंगे सी एक्स एक्स आई वी, अब यहाँ पे देखिए सब कुछ तो ठीक है लेकिन बीच में ये आई आ गया है जो छोटा है, ठीक है, और इसके बाद क्या आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, वो वी के पहले यानी कि 5 के पहले, तो सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10, तो यहाँ तक तो ठीक है लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में यानी कि वी में से आई को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 5 में से 1 को करना होगा सब्ट्रैक्ट तो हो गया 4। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 100, 110, 120 और 124, ठीक है। तो ये है रोमन न्यूमरल्स लिखने का। आई होप आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं कि हम कब किस नंबर को किस तरह से लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल।